मेरा नाम है तुषार बनर्जी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 3D World। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ज़ोटेक का NVIDIA का Z4 GT 730, जो 4GB DDR5 मेमोरी का ग्राफिक कार्ड है और इसमें Physics by NVIDIA है इसमें, जिसको बोलते हैं जो इफ़ेक्ट्स जो देता है, जो आपके जो गेमिंग में जो इफ़ेक्ट्स बनते हैं, जैसे बिजली चमकना, उसकी लाइटिंग, कैमरा फ्लैश होना, इनसे ये सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं Physics से। OpenGL 4.4 है इसमें और इसकी एक्सटेंडेड वारंटी है अप्रॉक्स 3 ईयर्स। पहले ज़ोटेक 1 ईयर का देता था, अब Z4 में ये इन्होंने 3 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी दिया है 730। तो इसको मैंने नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली से बाई किया है। नेहरू प्लेस आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का सबसे बड़ा मार्केट है नेहरू प्लेस में, तो मैंने वहाँ से इसको बाई किया है। मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगवाया, ऑनलाइन में इसका प्राइस और सस्ता है, पर मैंने ऑनलाइन मंगवाया नहीं, ऑनलाइन में मुझे भरोसा नहीं। तो मैंने आप देख सकते हैं इसको, मैंने पहले से ही इसका जो सील तोड़ के मैंने इसको अपने PC पे इंस्टॉल कर लिया है। इसकी अप्रोक्स प्राइसिंग इसमें दी हुई है जो है 8,640, बट मैंने नेहरू प्लेस से इसको लिया है विथ GST बिल के साथ 7,000। तो ये देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है GT 730 4GB 64-bit DDR5, ये ग्राफिक कार्ड है। और इसकी जो है कंट्री और रीजन चाइना में है। अप्रैल 2017 इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम की तरफ और करते हैं थोड़ी गेमिंग टेस्ट, थोड़ी बेंचमार्किंग वगैरह वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं ज़ोटेक की परफॉर्मेंस GT 730 का। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने सिस्टम की तरफ और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं मेरी PC कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये मेरा PC कॉन्फ़िगरेशन है, विंडो 8.1 पे ये वर्क कर रहा है, प्रो 64-bit एंड इंटेल पेंटिनम, इसमें डुअल कोर प्रोसेसर है ये, 2.90 GHz, मेमोरी इसकी 8GB रैम है एंड इतनी यूज़ हो रही है इसमें मेमोरी एंड डायरेक्टर 11 है इसमें। डिस्प्ले में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा मेरा ग्राफिक कार्ड NVIDIA G4 GT 730, जिसका अभी हम गेमिंग टेस्ट करेंगे एंड इंटीग्रेटेड MDAC फुल डिस्प्ले डिवाइस एंड दिस इज टोटल मेमोरी ऑफ 4GB जो है अप्रॉक्स 8,095 MB। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं 730 जिसका ग्राफिक कार्ड है उस पर हम आज इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा ये ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है। अभी इसकी स्टोरी लोड हो रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे मिशन पे। GTA 5 मैंने ऑलमोस्ट सारा मिशन कंप्लीट कर चुका हूँ, अब ये लास्ट मिशन में शुरू होगा। तो GTA 5 का लास्ट मिशन है। हम आज डेविन को पकड़ेंगे, उनके गैंगस्टर को पकड़ेंगे, क्योंकि डेविन ही हमारा मेन विलेन है इस GTA 5 का, जो FIB का एजेंट है, जिसने हमारे नाक पर दम करके रखा है, उसका नाम डेविन है।
हालांकि मेरा सिस्टम है डुअल कोर 9.2.9 GHz, इसलिए इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगा है। हम ट्रेनर में जाएंगे इसको थोड़ा और डिटेल्स में दिखाने के लिए, अभी नाइट टाइम है तो हम इसका टाइम चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये किसी भी हालत में नहीं अटकता, ये गेम कोई भी लैगिंग नहीं है इसमें। अगर मैं उतर और इसका डेप्थ ऑफ फील्ड मैं आपको दिखा दूं, इसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफ़ी अच्छा है। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पे जो ग्राफिक सेटिंग बोलते हैं, ग्राफिक सेटिंग में आप ग्राफिक सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि सब कुछ मेरा हाई है, इसमें सब कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी सारा कुछ फुल करके रखा हुआ है मैंने, वेरी हाई सारा कुछ है। मोशन ब्लर मैं यूज़ नहीं करता जनरली गेम पे, एडवांस सेटिंग में भी सारा ऑन है, सारा हाई है। और फ्रेम स्केलिंग मोड मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कुछ इसको अभी तक किया नहीं है कुछ। तो चलिए हम चलते अपने गेम की तरफ। और अब हम चलते हैं डेविन के गैंग को पकड़ने। थोड़ा वेदर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ का, तो थोड़ा रेनिंग थंडर कर देता है। फिजिक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो एनवीडिया में जनरली जो फिजिक्स दिया जाता है वो विजुअल इफेक्ट्स के लिए होता है। इस गेम का विजुअल इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, बिजली का कड़कना जो ये सब जो विजुअल इफेक्ट है ये फिजिक्स से ही आता है। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो इसका इफेक्ट आ रहा है थंडर का, जो बिजलियाँ जो चमक रही है। GTA 5 को मैंने मोड करने के बावजूद भी मैं इसमें विदाउट लैगिंग खेल पा रहा हूँ। NVIDIA GT 730 4GB इसका वो है मेमोरी ग्राफिक कार्ड का। हालांकि हल्का हल्का थोड़ा टकरा है क्योंकि मेरा जो प्रोसेसिंग स्पीड डुअल कोर है 2.9 GHz है, DDR3 डुअल कोर है मेरा, इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत लैग हो रहा है। बाकी ये परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। मैं आपको सिर्फ GTA 5 ही नहीं दिखाऊंगा, आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी गेमिंग टेस्ट दिखाऊंगा। मैंने इसमें काफ़ी कुछ खेला हुआ है, टॉम रेडर राइज ऑफ द टॉम रेडर खेला हुआ है इस ग्राफिक कार्ड में। बैटलफील्ड 4 मैंने कल ही डाउनलोड किया है, उसका भी मैं गेमिंग टेस्ट आपको इसी ग्राफिक कार्ड में दिखाऊंगा कैसा आता है बैटलफील्ड 4 का।
अब देख सकते हैं इसमें भी कुछ लैग नहीं हो रहा। शायद जो सॉफ्टवेयर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इस गेम को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या पता उसी वजह से कुछ लैग हो, या मेरे जो कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा ही फाइल्स हो इस वजह से ये लैगिंग हो सकती है। बाकी इसका हल्का हल्का कभी कभार ही लैग हो रहा है, ज़्यादा लैग हो नहीं रहा है। हम इसको ऑप्शंस में जा कर दे सकते हैं गॉड मोड, फास्ट रन, सुपर जंप। हम ये मोड यूज करके गाड़ियाँ भी अपने लिए मंगवा सकते हैं दोस्तों। मुझे भी जाना है व्हीकल ऑप्शन पे, व्हीकल ऑप्शन, एंड इसको भी गॉड मोड कर देना है ताकि हमारे जो व्हीकल है उसमें कुछ, जैसे कभी हम जैसे हम गिर जाते हैं कहीं पे तो कुछ भी स्क्रैच या टूटने का कुछ भी ना हो। देखो मेरा व्हीकल पूरा एकदम क्लीन है, चाहे मैं जितना भी ठोकर मारूं मेरे व्हीकल को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये गॉड मोड पे है। इसका ट्रेनर तो हम भी खेल पा रहे हैं। GTA 5 का जो एंटीवायरस है, क्या पता नहीं GTA 5 का एंटीवायरस नहीं, मतलब जो मेरा जो एंटीवायरस है उसने शायद GTA 5 की स्ट्रीम 64.dll उड़ा दिया था, तो हमने उसको डाउनलोड करके इस पर डाला है। उस वजह से भी शायद लैग हो सकता है क्योंकि वर्जन्स मैच नहीं करते गेम के, वो क्या पता दूसरा वर्जन का था इसलिए चल गया इस पर। DLL फाइल्स का तो हमें तो पता नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन से वर्जन के गेम पे, कौन से GTA 5 वर्जन के गेम पे चलेगा।
आप देख सकते हो ये हैंग नहीं हो रहा है गेम, शायद ट्रेनर की वजह से भी शायद ये हैंग हो सकता है, जो हमने जो ट्रेनर जो यूज़ किया था बारिश करने के लिए। हमारे पास पुलिस पड़ गई है तो हम दोबारा ट्रेनर की तरफ जाएंगे एंड ऑप्शंस पर जाएंगे। क्लियर वांटेड लेवल कर देंगे। अब फिर टू माइकल एंड ट्रेवर, हम माइकल की तरफ जाएंगे। मेरे व्हीकल को देखो कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी भी गॉड मोड पे हूँ। एक बार अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो एक बार बस इसको ऑन करने की जरूरत है तो सारा प्लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि मेरा जो ये जो गेम है अब लैग नहीं कर रहा है किसी भी एंगल से। और ये सुपर जंप है और फास्ट टर्न है, ये सब मैंने इनेबल किया था आपको पता ही होगा। अब हम चाहते हैं ट्रैवल की तरफ, ड्राइवर हमारे मिशन को आगे लेके जाएगा। जो मिशन है जो लास्ट मिशन है GTA 5 का, अगर हम ट्रेनर से अगर हम मौसम और ये सब वेदर चेंज नहीं करते हैं तो शायद ये लैग ना हो गेम। अब देख सकते हो मैं ये माउस हिला रहा हूँ और ये लैग नहीं हो रहा। अब हमें इसको मानना है, न्यूज़ रिपोर्टर को जिसने हमारे नाक पे दम करके रखा है, जो हर एक खबर SIV को हमारी देता था। हमें इसको शूट आउट करना है स्नाइपर राइफल से। तो दोस्तों करते हैं इसको स्किप एंड लेते हैं स्नाइपर राइफल।
हम पहुंच गए अपने एरिया में जहां से हम इसको शूट कर सकते हैं। जैसे ही झूला ऊपर आएगा जिसमें वो लोग बैठे हैं रिसेंटली, शूट कर देना है। हमें जुगाड़ जाना है अपने ट्रेनर की तरफ, वांटेड लेवल क्लियर करना है। अब हमें अपने मैप की तरफ चलना है, ड्राइवर को टेलीपोर्ट कर देना है इसके वे पॉइंट पे। टेलीपोर्टिंग ऑप्शन पे जाएंगे, डेविन है सराउंडेड हिमसेल्फ विथ मैरी वेदर गार्ड्स, गार्ड्स है वो, डेविन सिक्योर है। अभी उन गार्ड्स को हमें एक एक करके ख़त्म करना है ताकि हम इसको पकड़ सकें। तो डेप्थ ऑफ फील्ड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। पीछे से वो आ रहे हैं जो दुश्मन है। वो बॉक्स पे छुपा हुआ था, हमने उसको निकाल लिया ट्रेवर ने। एंड अब हम इसको लेके जाएंगे माइकल एंड फैंगलिंग के पास और उसी का यहाँ वहीं पर ही डिहैंग कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे उसको हमेशा के लिए। गाड़ी हमें बढ़िया मिल चुकी है, तो हम इसको टेलीपोर्ट करेंगे।
Indiana's left off the GOA, Gilead Mountain State Wilderness. अब यहाँ पे आएंगे माइकल एंड ट्रेवर, ट्रेवर तो है माइकल, सॉरी माइकल एंड फ्रैंकलिन आएंगे, तीनों मिलकर अब इससे प्री स्टार्ट करेंगे। हम इसको करेंगे यहीं से टाटा बाय बाय, इसका इधर ही काम तमाम कर देंगे डेविन का। फ्रैंकलिन भी आ चुका है दोस्तों, डेविन ने हमारे जो जितने भी गोल्ड थे जो हमने पहले मिशन पे चुराए थे वो डेविन ने शायद सारा का सारा अपने कब्जे में कर लिया अपने गैंगस्टर के थ्रू, इसलिए इनको गुस्सा आया और उन्हें पता चल गया कि डेविन ही है इन सब के पीछे। एंड अब डेविन को ये ख़त्म करेंगे। डब्ल्यू टू पुश द कार, अब हम डेविन को यहीं से खाई से नीचे फेंक देंगे हमेशा के लिए, टाटा बाय बाय। डेविन का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है दोस्तों, एंड जी टी ए 5 भी इधर ही मिशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि लास्ट मिशन था, तो जी टी ए 5 का गेम भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। इनके झगड़े फ्रैंकलिन ने सुलझा दिए हैं, माइकल एंड जो ट्रेवर के बीच जो झगड़े थे उनके जो बीच में, और ये दोबारा दोस्त हो गए हैं। सबसे रिच इसमें माइकल होता है, फिर फ्रैंकलिन एंड फिर ट्रेवर लास्ट में आता है क्योंकि अपने पैसे दारू और जो ड्रग्स इन सब चीज़ों में उड़ाता रहता है ट्रेवर, तो इसलिए इसके पास नए गाड़ी होते नहीं कुछ होता है, फिर तो ट्रक होता है जिसमें वो सफ़र करता है। तो दोस्तों जी टी ए 5 हुआ है गेम अब हमारा कंप्लीट इन जी फोर जी टी 730 में 4GB DDR5 4GB इसकी मेमोरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव नीचे कमेंट्स पे करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है 3D World, इसको लाइक एंड शेयर जितना भी आप कर सकते हो उतना कीजिए ताकि और लोगों तक G4 GT 730 जो है NVIDIA ग्राफिक कार्ड का 4GB DDR5 इसकी जो डिटेल्स है जो काम कैसे करता है और गेमिंग परफॉर्मेंस इसके ऊपर दूसरे लोगों को भी जानकारी जो दूसरे जो हमारे दोस्त है उनके पास भी पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई गेम के साथ, तब तक के लिए अलविदा, हैव ए नाइस डे।